फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हमें हमारे क्लाइंट्स होते हैं या फिर पोटेंशियल क्लाइंट्स जो है उनके जो कॉल्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो ये होता है कि सर, मैं अपने स्टेज फियर को कैसे दूर कर सकता हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है कि जिसमें मैंने आपको टिप्स दी हुई है कि आप अपने स्टेज फियर को कैसे कम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने स्टेज फियर को कम करने के लिए कौन कौन सी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में तीन टिप्स दूंगा। इन तीनों टिप्स को फॉलो करके आप अपने स्टेज फियर को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे डेली लाइफ में, रूटीन में अप्लाई करके आप अपने स्टेज फियर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सो तीनों टिप्स में सबसे पहली टिप है कि जब भी आप कहीं पर भी स्पीच देने के लिए जाए तो वहां पर आपके आसपास में जो हो रहा है उसके बारे में आपके आसपास वालों के साथ बातें कीजिए या फिर आपके खुद के साथ बातें कीजिए। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जब भी आप कोई स्पीच देने के लिए जाए तब आपके सामने फॉर एग्जाम्पल की कोई डांस परफॉर्मेंस हो या फिर कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस हो, किसी और व्यक्ति की स्पीच हो या और कोई भी चीज हो रही हो, तो उसके बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके ओपिनियंस आपके बाजू वाली व्यक्ति को कहिए। अब ये करने के पीछे का कारण क्या है? तो आप जब अपनी स्पीच के लिए वेट कर रहे होते हैं, आप जब नर्वस होते हैं तब आपका कंसंट्रेशन पूरा आपके अंदर ही होता है। आप अंदर ही अंदर घबरा रहे होते हैं कि मैं स्पीच दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए वो जो घबराहट है उसके ऊपर जो हमारा कंसंट्रेशन है उसे ब्रेक करने के लिए आपको बातें करने की शुरुआत करनी है। आप ये आपके आसपास वाली जो चीजें हो रही है उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति नहीं है तो आप खुद के साथ बातें कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि 15 अगस्त का फंक्शन आपके सामने चल रहा है, डांस परफॉर्मेंस है, सिंगिंग परफॉर्मेंसेस है और आगे आपकी स्पीच होने वाली है। तो आपको अगर डांस में ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर ज़्यादा लोग होते तो डांस और अच्छा लग सकता था या फिर ज़्यादा सॉन्ग होते तो भी अच्छा लग सकता था, तो आप अपने बाजू वाली व्यक्ति को कहिए कि ये जो डांस परफॉर्मेंस अभी हुआ ना, इसमें अगर ज़्यादा लोग होते ना तो ये डांस परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकते थे। तो इससे होता क्या है कि आपका ध्यान अभी तक जो था वो डर के लिए था, आप डर रहे थे, लेकिन अब आपका ध्यान जो था वो वहां से डाइवर्ट होके वो डांस परफॉर्मेंस की ओर चला गया, उसके बारे में अपने ओपिनियन देने के ऊपर चला गया। तो ये जो चीज होती है वो आपका कंसंट्रेशन जो है वो स्टेज फियर है, नर्वसनेस है, उसमें से घटा देती है, उसको ब्रेक कर देती है। तो इसलिए हमेशा आपके आसपास जो चीजें हो रही है उसके बारे में बातें कीजिए। ये बहुत अच्छी टिप है और इसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इससे आपको फायदा होगा। ये सबसे पहली टिप हुई। दूसरी टिप कि कभी भी अपनी स्पीच से पहले नेगेटिव सेंटेंसेस को मत बोलिए और पॉजिटिव सेंटेंसेस को भी अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मत बोलिए। इसे भी एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं, शायद आप भी कहते होंगे कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी स्पीच जो है वो होने वाली है, मुझे बहुत नर्वसनेस लग रही है कि मैं स्पीच दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो होता है वो नेगेटिव थॉट होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को कभी भी मत बोलिए, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हो सकता है कि वो नेगेटिव रिजल्ट लाए। अब सवाल ये आता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने चाहिए? पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है वो मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर नहीं आते। अगर कोई व्यक्ति सही में घबराया हुआ है तो वो कैसे बोलेगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ? वो नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस भी नहीं आ रहे तो मत बोलिए, नेगेटिव सेंटेंसेस को भी मत बोलिए। सिर्फ स्पीच देने के लिए चले जाइए, तैयारी करके जाइए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नेगेटिव नहीं बोलना है, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। तो ये दूसरी टिप हुई। तीसरी टिप जो है वो मेरी फेवरेट टिप है कि जब भी आप स्पीच देने के लिए जाने वाले हो
उसके पहले अपना फेक कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों को दिखाइए। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है दोस्तों, ये जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको मैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर से आपको बताऊंगा कि मैं जब चाइल्डहुड के अंदर स्कूल डेज में स्पीच देता था तो उस वक्त मैं भी नर्वस रहता था, लेकिन मैंने एक हैबिट जो है वो अपने आप के अंदर लाई कि अगर आप नर्वस हो, कितना भी डर आपको लग रहा है, लोगों के सामने हंसते रहिए ताकि लोगों को लगे कि हम कॉन्फिडेंट हैं। फेक कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों को दिखाइए। मैं ये दिखाता था और दोस्तों इसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि मैं कंटिन्यूसली ये फेक कॉन्फिडेंस दिखाता था तो मेरे अंदर वो रियल कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को कहेंगे कि तू इंटेलिजेंट है तो शायद वो पहली बार में बिलीव नहीं करेगा, लेकिन आप हर रोज उस व्यक्ति को कहेंगे कि तू इंटेलिजेंट है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा और अपने आप को वो इंटेलिजेंट कहेगा। तो आप भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए फेक कॉन्फिडेंस को दिखाइए। जब भी आप कोई स्पीच देने के लिए जाने वाले हैं तो अपने आप को स्माइलिंग फेस के द्वारा ही रखिए। लोगों को जब रिप्रेजेंट करें तब स्माइलिंग फेस ही रखिए ताकि जो है वो लोगों को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट है। और दोस्तों ये जो स्माइलिंग फेस फेक होता है तब भी आपके अंदर जो होता है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। आप जब हंसते हैं तब ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हैप्पीनेस जो आपकी होती है वो बढ़ जाती है, भले ही फेक हो बढ़ जाती है दोस्तों। तो इसलिए फेक कॉन्फिडेंस को लाइए। ये फेक कॉन्फिडेंस को अगर आप एक महीने तक भी अप्लाई करते हैं दोस्तों, आई गारंटी यू कि आपके अंदर रियल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप रियल कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको ये तीन टिप्स दी कि जिन तीनों टिप्स को फॉलो करके आई गारंटी यू कि आप अपने स्टेज फियर को कम कर सकते हैं, नर्वसनेस को कम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आज ही हमारा आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड वीडियोस जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर पाना चाहते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, हम आपको पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड वीडियोस व्हाट्सएप करेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं इसकी समरी देना चाहूंगा। मैंने आपको तीन टिप्स दी। सबसे पहली चीज कि आपके आसपास में जो चीजें हो रही है उनके बारे में आपके आसपास वाली व्यक्ति के साथ बातें कीजिए या फिर खुद के साथ बातें कीजिए। दूसरी टिप कि नेगेटिव सेंटेंसेस को कभी भी मत बोलिए। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस याद नहीं आ रहे हैं, माइंड में नहीं आ रहे हैं तो चलेगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। और तीसरी टिप मैंने आपको दी कि फेक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। आप हंसते रहिए, लोगों को दिखाइए कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा, अपनी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।